उपस्थित मंच और उपस्थित सभी साथियों को सेवा जोहार। मैं गढ़चुरली से आया हूँ। मैं ग्राम सभा का काम करता हूँ। मेरा एटापल्ली तालुका में 70 ग्राम सभा गठित किया हूँ और वहाँ पे माइनिंग का काम चालू है और हम 70 ग्राम सभा गठित करके हम लोगों ने बंबू भी बिका है, तेंदू भी बिका है। ये सभी श्रेय जो है ये महेश राउत ने हमको मार्गदर्शन किया है। महेश राउत 2013 से हमारे गढ़चिरौली जिले में और कोरची इलाका, दानोरा इलाका और सूरजागढ़ इलाका, भामरागढ़ इलाका में और ये पेशा और वन अधिकार के बारे में बहुत सारे मार्गदर्शन किया है, पत्रिक बांटे हैं। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा नियम है, ये तुम्हारा को दिया हुआ अधिकार है, ये साधन संपत्ति का मालिक है आप लोग, आप लोग क्यों ये नहीं करते हैं? तो हम लोगों का ध्यान में ला के दिया। जब ये कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त ये प्रधानमंत्री का फेलो करके काम करता था, बगल में एसडीओ बैठता था और हाई कुर्सी में महेश बैठता था और सभी काश्तकारों को, सभी हमारे ग्रामवासियों को उन्होंने मार्गदर्शन करता था कि देखो ये जो अधिकार है ये ग्राम सभा के लिए दिया है, ये जो पेशा कायदा है, ये वन अधिकार कायदा है, ये पंचायत उपबंध विस्तार कायदा है, ये अनुसूचित जमाती यानी अनुसूचित जमाती वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा है 2008 में, 2006 में, 2008 में, 2012 में जो दिया हुआ है अधिकार है, इसमें तुम ये कर सकते हैं, तुम बंबू भी बिक सकते हैं तुम्हारे निस्तार के अंदर में सामूहिक वन जंगल से, और तुम्हारे खेत में होगा, जंगल में होगा, तुम्हारा सामूहिक जंगल में से तुम तेंदू भी बिक सकते हैं। तो हम इस तरह के एसडीओ साहब के पास में दरखास्त किया और वन विभाग में भी हमने सिफारिश किया और हम इस तरह कैसे हमने बंबू भी बिका है, बहुत फायदा हुआ है, तेंदू भी बिका है। अभी 40 करोड़ रुपया का हम एक साल में तेंदू बिकते हैं और इस साल भी हम बिकने वाले हैं। तो ये सब फायदा उसके वजह से हुआ। अभी बोलने का मतलब यह है कि हम जो गढ़चिरौली जिले के अंदर में जो महेश राउत ने जो काम किया है, उन लोगों को ऐसा दहशत पैदा हो गई कि इन लोगों ने किस प्रकार से उसको अटक कर दिया, कैसे अटक कर दिया, ये तो किसी पक्ष में हमारे को किसी के साथ में दिखा नहीं और कभी भी कोसे बैठ कहीं भी मंच में दिखा नहीं। हमारे सूरजागढ़ के जत्रा में आता था, हमारे एटापल्ली तालुका के अंदर के मीटिंग में आता था, भामरागढ़ में आता था और उन्होंने मार्गदर्शन करता था, छोटे छोटे पुस्तक भी बनाई दिया था कि भाई तुम्हारा ये अधिकार है, तुम्हारा ये सामूहिक हक है और तुम इसके लिए लड़ो, इसके लिए करो, ये आने वाले पीढ़ी के लिए ये सब कुछ होगा। लेकिन हमारा एक संदर्भ भी है कि मेरे जो सूरजागढ़ इलाका में जो 70 गांव है, उस 70 गांव के अंदर में एक माइनिंग की लड़ाई नहीं है, जो एक माइनिंग जो चालू हुआ है उसके लिए लड़ाई नहीं है, सिर्फ 13-14 खदान वहाँ पे होने वाले हैं, प्रस्तावित में है, दमकोंडावाई है, वाड़वी है, मूंदी है, बेसेवाड़ा है और नांगल मेटा है और ऐसे सभी, उसमें 40,900 एकड़ जमीन जाने वाला है। तो हमारा ये कहना है कि भी 40,900 एकड़ जगह जाने के बाद में हम विस्थापित हो जाएंगे, हमारे विस्थापित का क्या प्रपोजल बनाया है, विस्थापित लोगों के लिए क्या बनाया है और विस्थापित लोगों का क्या नियोजन बनाया है, हम कहाँ जाए, कहाँ मरे? हम वन उपज जमा करके, हम वन उपज का मजदूर करके वन जंगल में घूम के हम हिरडा लाते हैं, मोहा लाते हैं, लाख लाते हैं, ढीक लाते हैं और 17 फसल निकलते हैं हमारे वन उपज में से, हमारे पूरे मजदूरी वहाँ से निकलता है, 250 रुपये किलो तो लाख है, लेकिन ये छोटे मोटे दुकानदार 100-150 में लुबाड़ के ले जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे चीजें, हमारे को कोई मजदूरी की जरूरत नहीं, हमको जंगल से ही मजदूरी मिलती है। अगर ये जंगल कट गया तो हमारी पूरी प्रथा परंपरा रीति रिवाज पूरा नुकसान हो जाएगा, हम जाएं तो कहाँ जाएं। इसमें थोड़ा सा हमें साथ देता था महेश राउत ने, हमको बहुत ही मार्गदर्शन करता था। हम कभी नहीं बोलेंगे उसको नक्सलवादी, और उसके जैसे विद्वान आदमी, उसके जैसे समझदार आदमी, लोगों को समझाने वाला आदमी, मैं तो बोलता हूँ अभी तक अपने गढ़चिरौली जिले में अंदर आके काम करने वाला कोई नहीं दिखेगा। और वो निर्दोष छूटना चाहिए, उसके ऊपर जो केसेस लगे हैं, उसको जो केसेस लगे हैं वो गलत है, वो किसी भी एक गुस्से के अंदर, किसी भी एक बहाने के अंदर उसको अरेस्ट किया गया होगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे सब ग्राम सभा वालों ने पूरे कलेक्टर ऑफिस, जिला कलेक्टर के पास में ठहराव दिया है, मैं खुद 3 तारीख को ठहराव दिया है, 40 ग्राम सभा का कोची वाले दिया है, बमरागढ़ वाले दिया है, हम रिक्वेस्ट किया है शासन को कि भाई महेश राउत छूटना चाहिए, बाकी इनके ऊपर जो भी केस हुआ है वो नहीं होना चाहिए और छूटना चाहिए। इस प्रकार से हमारा बहुत कुछ उसके बारे में लोगों का कहना है कि लोगों ने बोला है कि भाई चलो बम्बू बिकेंगे, बम्बू किस तरह बिकने का, उसका कानून, उसका व्यवस्था कैसी है, उन्होंने हमको पढ़ के बताया और हमको मार्गदर्शन किया, हमारे बच्चों को अभ्यास गट तैयार करके उनको परफेक्ट बना दिया। अभी उतना कोई लिखा पढ़ी हमारे इलाका में कोई भी नहीं, मैं भी तो 6वीं क्लास पढ़ा हूँ, मैं कोई ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ, मैं 85 से सरपंच बना तो 92 से मैं जिला परिषद मेंबर बना, तो 2000 में मैं डायरेक्टर बना, आदिवासी विकास महामंडल का संचालक बना, फिर ये राजनीति बेकार है करके मैंने छोड़ दिया 10 तारीख 2010 को। फिर मेरे को ये लड़ने के लिए कुछ अधिकार चाहिए, बैठने के लिए कुछ मेरे को ताकत चाहिए, कोई अड़चन में मैं जेल में गया और दूसरे दिन से टिकट भरना चालू हो गया, मैं क्या करूं क्या नहीं। मैं फिर एक नियोजन बनाया कि जेलर साहब को मैंने लेटर लिखा कि मैं देश का नागरिक हूँ, मेरे इलेक्शन लड़ने का है और मुझे आप इजाज़त देते हो तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो उन्होंने इजाज़त दिया है, मैं दो वकील को बुलाया, वहीं नोटरी किया और जेल में रही थी मैं 17 दिन, जेल में रह के मैं इलेक्शन भी चुन के आया, मेरी मिसेज भी चुन के आया। तो ऐसी परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है दुनिया का सरकार को, हमारे देश का सरकार को हम कहना चाहेंगे कि ऐसे गलत रास्ते से किसी का भी जेल में डालना, किसी को भी बड़ा कानून में डालना, उसका ज़िंदगी बर्बाद करना, ये मुझे उचित नहीं है। इसलिए हम सारे मेरे गढ़चिरौली जिला के और देश के पूरे आदिवासी की तरफ से मैं आपको कहना चाहूँगा, सरकार को कहना चाहूँगा कि महेश राउत और उनके साथियों को निर्दोष छूटना चाहिए। इतना बोलकर मैं दो शब्द कहूँगा। सैनु जी और लालसु जी की आवाज़ और संघर्ष की बुलंदी को हम सलाम करते हैं। आगे मैं अब्दुल वाहिद शेख को बुलाना चाहूँगी। महाराष्ट्र में आदिवासियों, दलित समुदायों के अलावा भी मुसलमान समुदाय ने सबसे ज़्यादा UAPA और बैंड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो केसेस हैं वो देखे हैं। वाहिद शेख पेशे से टीचर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है बेगुनाह कैदी, जो पुलिस और न्याय व्यवस्था में करप्शन और पक्षपात के ऊपर एक बेहतरीन टिप्पणी है। इनोसेंस नेटवर्क के कार्यकर्ता के तहत वो इन सभी केसेस के बारे में रिसर्च भी करते आ रहे हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ इनोसेंट लोगों जिनके ऊपर फॉल्स केसेस लगाए गए हैं उनकी रिहाई के लिए कार्यरत हैं। मैं वाहिद जी को बुलाना चाहूँगी कि वो हमें अपने विचार हमारे साथ बांटेंगे।